हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत। मैं आपका टेक्निकल होस्ट में स्वागत करता हूँ। जैसे कि फ्रेंड, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि लोग अपने डेस्कटॉप पे अपना एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, तो इससे आपका बहुत कुछ काम आसान हो जाता है। जैसे कि आप अपना डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और आपके मोबाइल में आपको कुछ करना पड़ जाता है, तो आप डायरेक्ट डेस्कटॉप से आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें आप हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, मतलब मैसेज भेजना या नेट चलाना, अपना गैलरी सब कुछ ओपन कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए होंगी, एक सॉफ्टवेयर जो आपको अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना है और एक एप्लीकेशन जो आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है मिरर गो। तो इसकी जो लिंक है डेस्कटॉप वाली, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जो इसका सेटअप होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। इसको आप इस तरह से इंस्टॉल कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगाइए। लिया हो गया ये, इसको स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ से अभी स्टार्ट होगा ये। मेरा फ़ोन आ चुका है डेस्कटॉप पे। तो मैंने मिरर को एप्लीकेशन पहले ही अपने इस पे एंड्रॉयड फ़ोन पे इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है मिरर गो की, उसको आप चालू कर लीजिए। मिरर गो की एप्लीकेशन चालू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, और ये क्वालिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जैसे है वैसे ठीक ही है। और यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया है, एयर बी गोल पर क्लिक कीजिए। इसे आप USB से और वाईफाई से दोनों से कर सकते हैं। ये कनेक्टिंग हो रहा है, 28% हो चुका है। ये शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, जब सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आराम से ये हो जाता है। नाइन्टी परसेंट हो चुका है।
95%। ये लीजिए, हो चुका है ये कनेक्ट होने के बाद। ये आप इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए। ये लीजिए, अब यहाँ से आप कुछ भी चला सकते हैं, अपने फ़ोन को कैसे भी चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस ऐप को चलाने के लिए आपको पहले अपने मोबाइल में USB डिबगिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको USB डिबगिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आप सेटिंग पे जाइए, सेटिंग सेटिंग में जाने के बाद आप सबसे नीचे जाइए। ये नीचे आप डेवलपर ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें जाके आपको ये यहाँ से डिबगिंग ऑन करनी है। ठीक है, और जिसके में ये डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसके फ़ोन पे, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। अब अबाउट डिवाइस में जाइए, अबाउट डिवाइस में जाके आप यहाँ पे देखेंगे एक बिल्ड नंबर ऑप्शन है। बिल्ड नंबर को आप 5 से 7 बार क्लिक करनी है आपको। 5 से 7 बार क्लिक करने के बाद ऐसे 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 क्लिक करना है, क्योंकि मेरा पहले से डेवलपर ऑप्शन आ गया है, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इसको। आपको बिल्ड नंबर को 5 से 6 बार या 7 बार प्रेस करना है, तो अपने आप आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सब आपको कर लेना है, सबसे पहले आपको यही करना है अपने फ़ोन में। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करनी है वो। जो मोबाइल में मिरर गो एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ सर्च कीजिए मिरर गो। मिरर गो आ चुका है। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। यहाँ से देख लीजिए, 50,000 लोगों ने इसको डाउनलोड कर चुका अभी तक। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये। अब यहाँ से इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसको इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है ये। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसमें कमेंट में भी ले सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। सब कुछ सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। और अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं इस टाइप की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके भी फ्रेंड्स इसको देख सकें और इसको यूज़ कर सकें। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।